यहाँ पे एक ऑटो आ रहा था जी इधर से और एक छोटा टी आ रहा था इधर से और दोनों में से किसी ने ब्रेक नहीं मारी। मैंने सीटी बजा के दोनों को रुकवाया। और देख सकते हैं आप यहाँ पे पुलिस बूथ भी है और फिर भी ये हादसा हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लाल बत्ती है लेकिन लाल बत्ती बंद पड़ी है। अगर रेड लाइट चालू करते हैं यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं चल पाएगा। और वो इतना तेज था कि मतलब वो रोक ही नहीं पाया और हमारा बिल्कुल पलट गया। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। राजधानी दिल्ली में तेज़ रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने निकल के आ रहा है दिल्ली के पंजाबी बाग वेस्ट के चर्च के पास से। और यहां पर एक भीषण हादसा हुआ है टेम्पो के बीच में और ये ऑटो के बीच में हादसा हुआ है बड़ा। आप देख सकते हैं कि ऑटो की क्या हालत हो चुकी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे पुलिस बूथ भी है और फिर भी ये हादसा हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर लाल बत्ती है लेकिन लाल बत्ती बंद पड़ी है। आइए यहाँ पर मौजूद मार्शल से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं घटना के बारे में। आपका नाम क्या है? युवराज त्यागी। अच्छा, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे एक ऑटो आ रहा था जी इधर से और एक छोटा टी आ रहा था इधर से और दोनों में से किसी ने ब्रेक नहीं मारी। मैंने सीटी बजा के दोनों को रुकवाया, दोनों में से किसी ने ब्रेक नहीं मारी और ऑन द स्पॉट उनका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पे कितने बजे ये एक्सीडेंट हुआ? टाइमिंग तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, हम मतलब लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम होगा। कितने लोगों को चोटें आई है? छोटो ऑटो वाले का ही आए हैं, छोटा हाथी वाला ड्राइवर भाग गया। और ऑटो में कोई सवार भी था? ऑटो में एक सवारी थी और ऑटो वाला ड्राइवर था और ऑटो में सामान रखा हुआ था, लोडिंग किया हुआ था उसने सामान। ऑटो ड्राइवर को ज़्यादा चोट आई है या कम आई है? ऑटो ड्राइवर को भी ज़्यादा चोट आई है और जो उसमें बैठा हुआ था उसको थोड़ी कम आई है, मगर चोट दोनों को आई है। तो क्या वो जो जिस गाड़ी से ऑटो में ये लगी थी एक्सीडेंट हुआ था तो वो गाड़ी वाला भाग गया क्या? वो गाड़ी वाला भाग गया था, फिर भाग के पकड़ के लाए थे हम उसे यहाँ। वो यहाँ से भाग गया था, उसने रोकी भी नहीं थी अपनी गाड़ी, उसको हम पकड़ के लाए थे, फिर वो आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले भी ये हादसा होते रहते हैं या पहली बार ये यहाँ पे हुआ है? मेरे सामने यहाँ पे तो पहली बार हुआ है और इससे पहले मेरी ड्यूटी उस वाली रेड लाइट पे थी, वहाँ पे होते रहते थे हादसे। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि रेड लाइट भी लगा नहीं हुआ है, ये आखिर क्या कारण है कि रेड लाइट नहीं लगा हुआ है? रेड लाइट का कारण ये है कि वो जो मेन ट्रैफिक है ना, जैसे रेड लाइट लगा दी गई तो इनकी जो टाइमिंग होगी और उसकी टाइमिंग सेट नहीं हो पाएगी। फिर बंदा ना हरेसमेंट हो जाता है, अगर ज़्यादा देर रोक दिया जाए ना किसी को तो वो वैसे ही हरेस्ट हो जाता है, वो वैसे ही रेड लाइट तोड़ देता है। तो मतलब ट्रैफिक जाम ना हो इस मारे रेड लाइट चालू नहीं है। अगर रेड लाइट चालू करते हैं यहाँ पे तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर उनको कौन ले गया था हॉस्पिटल में? उनको हॉस्पिटल में एक ऑटो वाला ड्राइवर ले गया था। 112 नंबर पर कॉल कर दी थी पुलिस को और ऑटो वाला ड्राइवर को रोका, एक को वो लेके गया था उन्हें हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल में ले गए? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में। तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी, एक्सीडेंट हुआ था, एक कार वाला ने टक्कर मारी थी बाइक वाले को। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद उस घायल को कहाँ ले गए थे? बिक्सू हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उसमें एक लेडीज थी, एक बच्चा था 1 साल का और चलाने वाला उसका हस्बैंड था बाइक, और कार वाला मार के यहाँ से भाग गया था ESI हॉस्पिटल। फिर एक लड़का पीछे पीछे गया था, उसका नंबर नोट करके लाया, फिर मैंने कहा कंप्लेंट कर दो, फिर वो बाइक वाला बोला यार मैं जा रहा हूँ और क्या नाम है मेरे को कंप्लेंट नहीं करनी है, तो वो चला गया था फिर यहाँ से। और वो बिक्सू हॉस्पिटल में एडमिट है वो लेडीज़। लेडीज़ को ज़्यादा चोट लगी थी या कम लगी थी? उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, उसको रेड लाइट पे कम से कम 1.5-2 घंटे बिठाया गया था। ऑटो वाला उधर से आया 41 नंबर रोड से, अरे वो विक्रम वाला, और ये इधर से गया था और वो इतना तेज था कि मतलब वो रोक ही नहीं पाया और हमारा बिल्कुल पलट गया। और ड्राइवर को तो मुझे लगता है चोट वोट ज़्यादा लग गई है। हाँ, आप बताइए। यहाँ तो लाल ऑटो वाला मरा, इधर टेम्पू वाला तेज था 11 बजे पहले बात, यहाँ पुलिस बूथ नहा रहा है, ड्राइवर वाला क्या हुआ ऑटो पल पूरा, अब भावा यहाँ तो ऑटो वाला धोल चित्र मिला, अब टेम्पू वाला फिर लेडीज साहब भाई भरती गया एक लड़की साथ लेडीज भागा पीछे पीछे फिर लेके आया। तो आप देख सकते हैं कि ऑटो की क्या हालत हो चुकी है, ये शीशा टूट चुका है और ये पूरी तरह से टूट चुका है और यहाँ पे पुलिस बूथ भी है फिर भी एक्सीडेंट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस बूथ है
और फिर भी यहाँ पर हादसा होता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी और ऑटो के बीच में भीषण टक्कर हुई थी, और आपको दिखाते हैं किस तरह यहाँ पर इस गाड़ी को उतना ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको यहाँ पर ऑटो के कांच देखने को मिल जाएंगे, किस तरह से ऑटो का कांच टूट के यहाँ पर गिरा हुआ है और बिखरा हुआ है। आपको चारों तरफ से दिखा देते हैं कि इस गाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जो नुकसान पहुंचा है ऑटो ड्राइवर को पहुंचा है। हमने ऑटो ड्राइवर के भाई से बात की, आपको बता दें कि ये गाड़ी जो है कि लोडेड थी, आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से लोडेड थी, और जब ये एक्सीडेंट होता है तो ये शीशा टूट जाता है और यहाँ पर सामान बाहर गिर जाता है। आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरह से सामान बाहर निकला हुआ है। और इसके साथ ही ऑटो ड्राइवर के भाई ने हमें बताया कि वो बस ये चाहते हैं कि ये ऑटो ठीक करवा के हमें दिया जाए, और इसके साथ ही जो ड्राइवर को चोटें आई है उसका पैसा भरा जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहे तेज तर्रार। कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।